यश जी ने कभी भी नहीं सोचा था ये फिल्म डायरेक्ट करने के बारे। यश अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। मेरा करियर एज प्रोड्यूसर तो आप समझिए अभी से शुरू हो रहा, अब इसके बाद क्या होता है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो पिक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। रोशनी की चकाचौंध में जगमगा रहा है मड आइलैंड का नायर बंगलो, किसी शादी का जश्न है शायद। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि कौन है दूल्हा और कौन है दुल्हन। अरे ये तो जैकी श्रॉफ है, और दुल्हन कौन है भाई? हाँ ये रही जूही चावला। हाँ तो साहिबान, असली शादी नहीं बल्कि शादी का सीन फिल्माया जा रहा है, बल्कि सरोज खान को देखकर यूं कहना पड़ेगा कि शादी में नाच नचाया जा रहा है। आदित्य फिल्म्स के बैनर में ये फिल्म है आईना, जिसके डायरेक्टर हैं दीपक सरीन, सिनेमाटोग्राफर हैं मनमोहन सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं दिलीप सेन, समीर सेन, और गीतकार हैं समीर। हनी ईरानी की कहानी है आईना, और आईना के प्रोड्यूसर हैं पैमेला चोपड़ा। Actually, one can say that the story was found first, and then the script was worked upon. And we found that Honey and I, that is, we decided that the story was something which would be a little different from other love triangle films. And that's how we started working on the script. And I think the script has worked out very well. It's an excellent script, if I may say so. उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो उनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग है। मतलब दो बहनों की कहानी है और दोनों बहनों के दरमियान एक ही आदमी है। दोनों बहनें बिल्कुल अलग हैं, मतलब एक अगर नॉर्थ है तो दूसरी साउथ। और पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस तरह की दो लड़कियां से मिल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी से हटके नहीं है। और जो आदमी है वो भी बहुत अलग है, उसका जो कैरेक्टर है, मतलब वो पूरी फिल्म में ये पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ही इज़ अ क्वाइट मैन, वो खामोश है, और ही बिलीव्स इन एक्शन रादर देन टॉकिंग। ये यही उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। यश जी ने कभी भी नहीं सोचा था ये फिल्म डायरेक्ट करने के बारे। यश अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे जब हमने आईना के बारे सोचा था, और हमेशा से ये तय था कि ये फिल्म दीपक सरीन डायरेक्ट करेंगे। हमें लगा कि जो कैरेक्टर्स के लिए सूटेबल कास्ट है वही ली। जैकी बहुत ही फिट हैं अपने कैरेक्टर में, जूही भी बिल्कुल करेक्ट है, और अमृता का तो आपको नया रुख नज़र आएगा इस फिल्म में। मेरा करियर एज प्रोड्यूसर तो आप समझिए अभी से शुरू हो रहा, अब इसके बाद क्या होता है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो पिक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। यश जी ने कभी भी नहीं सोचा था ये फिल्म डायरेक्ट करने के बारे। यश अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे जब हमने आईना के बारे सोचा था। मेरा करियर एज प्रोड्यूसर तो आप समझिए अभी से शुरू हो रहा, अब इसके बाद क्या होता है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो पिक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है।